हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारे राइडर्स एंड अदर फीचर्स है। जिसने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देख सकता है। लेकिन इंश्योरेंस का बात करें और LIC का नाम नहीं लिया जाए तो बहुत सारे लोगों को खराब लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप LIC से ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस जिसका नाम है E-टर्म ले सकते हैं और उनका फीचर क्या है। मैं ये भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि जो बाकी प्राइवेट प्लेयर है उनके साथ ये प्रोडक्ट कैसे मैच करता है, क्या उनसे वो अच्छा है या LIC का ब्रांड वैल्यू पे ये चल रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैंने टर्म इंश्योरेंस का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या फीचर है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन के उनका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन LIC के बारे में जब आप डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि LIC का प्रोडक्ट सबसे अच्छा होता है बिकॉज उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। मैं शुरू में उसका कोई अभी भी कोई वर्डिक्ट आपको नहीं दूंगा, लेकिन जब मैं ये वीडियो अंत करूंगा आपको आइडिया आ जाएगा क्या वो LIC का जो रेपुटेशन है इससे ये प्रोडक्ट मैच करता है, क्या हम लोगों को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, और होप आप खुद ही ये पार्ट आप डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला चीज में LIC का जो E-टर्म पॉलिसी है उसमें मैं बताना चाहूंगा, आपका उम्र अगर 18 साल से ऊपर हुआ और 60 साल से नीचे हुआ तो आप ये पॉलिसी कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने HDFC का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एज 65 है, तो उससे 5 साल कम है इसमें, मतलब 60 साल तक ही आप ये पॉलिसी कर पाएंगे और उनका मैच्योरिटी अप टू 75 ईयर्स एज तक हो जाना चाहिए। मतलब मिनिमम एज 18 से 60 और मैक्सिमम मैच्योरिटी टाइम डेट होना चाहिए 75 ईयर से पहले, ठीक है। और ये पॉलिसी आप 10 साल मिनिमम कर सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 35 ईयर्स। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे मार्केट में पॉलिसी है जो मैक्सिमम 65 ईयर्स तक किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसमें वो नहीं है। इनफैक्ट लास्ट टाइम HDFC का वीडियो में भी वो 65 ईयर के लिए अवेलेबल था। और एक चीज़ है कि इसका जो मैक्सिमम टर्म वो थर्डली 35 ईयर्स है, लेकिन आपको मार्केट में बहुत सारे पॉलिसी मिल जाएगा जिसका मैक्सिमम टर्म 40 ईयर्स है। दोस्तों, अगर आप नॉन स्मोकर है तो आपका प्रीमियम अमाउंट थोड़ा कम होगा, लेकिन नॉन स्मोकर में मिनिमम सम एश्योर्ड शुड बी 50 लाख, 50 लाख। बहुत सारे पॉलिसी इसमें मोस्ट ऑफ द टर्म इंश्योरेंस में मिनिमम होता है 25 लाख, 20 लाख, लेकिन इसमें एज बिकॉज यू आर नॉन स्मोकर आपको 50 लाख मिनिमम। आई डोंट नो, आई थिंक LIC समहाउ डिस्करेजिंग नॉन स्मोकिंग, बिकॉज नॉन स्मोकर में 50 लाख मिनिमम है, लेकिन बाकी अगर आप स्मोकर है तो आपके लिए मिनिमम है 25 लाख। तो दोस्तों, अगर इज नॉन स्मोकर के लिए आई डोंट नो वाई दे रेज दैट बार सो हाई। अगर 50 लाख मिनिमम हुआ तो उसके साथ साथ आपका इनकम का क्राइटेरिया भी ज्यादा होना चाहिए, तो इससे क्या होगा बहुत सारे लोग ये पॉलिसी नहीं कर सकते। दोस्तों, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी अमाउंट कर सकते हैं एज पर योर इनकम क्राइटेरिया। दोस्तों, अगर आपका डेथ हो गया तो नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड अमाउंट था वो एज ए डेथ क्लेम मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट जैसे एक्सीडेंट होने पर डबल हो जाना, इनकम ऑप्शन लाइक कुछ पोर्शन लमसम देना, कुछ पोर्शन पर मंथ देना, लेकिन बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। इज ए टिपिकल वैनिला टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। सिर्फ आपका डेथ होने पे आपको फैमिली को सम एश्योर्ड मिलेगा और कुछ नहीं, कोई भी इनकम ऑप्शन, कोई भी एक्सीडेंट बेनिफिट, ये सब कुछ भी इसमें नहीं है। और एक चीज दोस्तों, प्रीमियम पेइंग ऑप्शन में ओनली आप एनुअली दे सकते हैं। अगर आप चाहे कि हर महीने हम देंगे, बहुत सारे लोगों को सैलरी से कट के देने में इजी होता है, वो ऑप्शन इसमें नहीं है। आप लमसम नहीं दे सकते, ओनली वन ऑप्शन आप एनुअली दे सकते हैं, हर साल एक बार करके। इससे क्या होता है जो हर महीने देना चाहता है, नहीं तो कोई एक साथ लमसम जो HDFC में था उसमें नहीं, ये सब कुछ नहीं है। आप कोई भी सरेंडर वैल्यू आपको इसमें नहीं मिलेगा, बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता, लेकिन लमसम होने से क्या होता है कि सरेंडर वैल्यू कुछ मिल जाता है, लेकिन एज बिकॉज इसमें वो ऑप्शन नहीं है आपको कोई सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस पॉलिसी में कोई भी राइडर नहीं है,
HDFC में था वो क्रिटिकल इलनेस स्लाइडर, जिसमें अगर कुछ स्पेसिफिक डिजीज है, अगर आप वो आप डायग्नोस होते हैं तो आपको सर्टेन अमाउंट मिल जाता है, दो 300 400 प्रीमियम में ऐड करने से वो फैसिलिटी आपको मिल जाता था। लेकिन LIC में ऐसा कुछ नहीं है। परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब अगर आपको एक्सीडेंट हो के आपका सब डिसेबल हो गए, हाथ पैर चला गया है, तो आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ता है। इस टाइप का कोई फैसिलिटी इसमें नहीं है। एक्सीडेंट डेथ, अगर एक्सीडेंट होता है तो डबल आपको मिलता है सम एश्योर्ड का, वो भी इसमें नहीं है। इनफैक्ट LIC का ई टर्म में कोई भी राइडर नहीं है, सिंपली प्लेन वैनिला ई टर्म इंश्योरेंस है। एक्सक्लूशन में बाकी पॉलिसी की तरह इसमें भी अगर आप सुइसाइड करते हैं 1 साल के बीच में, तो ओनली प्रीमियम का 80% आपको आपका जो नॉमिनी है उनको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये बाकी पॉलिसी की तरह इक्वल है। अगर आप ये पॉलिसी करना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो KYC जमा करना पड़ेगा और आपका इनकम प्रूफ जमा करना पड़ेगा, और ऑनलाइन आपको LIC का पोर्टल से आप ये पॉलिसी कर सकते हैं। आपका पेमेंट भी हर साल ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका मेडिकल चेकअप होगा, इसमें मेडिकल चेकअप कॉम्पल्सरी है। पहले को बहुत सारे पॉलिसी में ये होता है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस करते हैं, बाद में आपका शादी होता है तो बच्चा होता है, तो आप आपका जो सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं विदाउट मेडिकल चेकअप। ये सब फैसिलिटीज में कुछ भी नहीं है। सिंपली पॉलिसी करने पे आपको मेडिकल होगा और बाद में आप सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में नहीं बढ़ा सकते। अब दोस्तों सबसे जो क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पार्ट वो है प्रीमियम, कितना पैसा लगता है ये पैसे पॉलिसी करने में। ये आप देखा ही है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि इसके लिए आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन ये मैं मुंह से आपको नहीं बताऊंगा, मैं एक साइट में जाके आपको लाइव डेमो दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों मैं policybazaar.com साइट पे आया हूँ और इसमें मैं यहाँ पर ही मैं कंपेयर करूंगा LIC के साथ बाकी सबका। इसमें मैं आप देख सकते हैं ई टर्म पॉलिसी का कुछ फीचर आपको मिल जाएगा। देखिए 25 लाख फॉर एग्रीगेट प्लान, 50 लाख फॉर नॉन स्मोकर, जो स्मोकिंग नहीं करता उनके लिए ज्यादा सम एश्योर्ड और जो करता है उसके लिए कम। आई डोंट नो व्हाई, दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग आई हैव सीन। एनीवे दोस्तों आप देख सकते हैं 18 साल मैक्सिमम 60 इयर्स, पॉलिसी टर्म 10 साल 35 साल, और बाकी प्रीमियम पार्ट में देखते हैं कंपेयर करके। तो यहाँ पर एक मैंने किया है कि कवर 1 करोड़, डेट ऑफ बर्थ मैंने सिलेक्ट किया अराउंड 32-33 ईयर्स होगा, ठीक है। स्मोकर में मैंने नो किया, एनुअल इनकम 3 से 5 लाख के बीच में किया, नाम कुछ भी दे दिया, ईमेल कुछ भी, सिटी अब कोलकाता दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी दे दिया। आप देखते हैं कि 1 करोड़ का 32-33 इयर्स के लिए आपका प्रीमियम क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टिल 60 इयर्स तक ही होगा, मतलब आपका 60, आप 32 इयर्स उम्र है, 60 साल तक कर रहे हैं तो कितना प्रीमियम हो सकता है। तो आप ICICI में देख सकते हैं साल में 11,641 आपका प्रीमियम पड़ता है। उसमें भी डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट में अगर ये ऐड करते हैं तो आपका डबल हो जाएगा, अगर क्रिटिकल इलनेस में ये ऐड करते हैं तो आपका क्रिटिकल इलनेस कुछ डिजीज है जिसमें आपको पैसा मिलेगा, टर्मिनल इलनेस मतलब अगर ऐसा कोई डिजीज आया कि जिसमें आप मर सकते हैं उसमें, तो आपको जो सम एश्योर्ड हुए वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर दिया वो फ्री है। वीवर ऑफ प्रीमियम मतलब अगर आप डिजेबल हो गए पर के आपका पैर हाथ चला गया तो वो भी फ्री है, उसमें भी आपको कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका इंश्योरेंस चलेगा। इस टाइप का फैसिलिटी ICICI ऑफर कर रहा है और उसका प्रीमियम अमाउंट है 11,641। HDFC लाइफ देखिए इसमें भी सब कुछ है। इनफैक्ट इनका देखिए डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट में ICICI का 5,800 लगता था लेकिन ओनली यहाँ पर 580 लगता है HDFC में। डिजेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट में देखिए ओनली 300 रुपये ऐड करने में आपका डिजेबिलिटी होने पर कुछ भी प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। एनहेंस क्रिटिकल इलनेस मतलब बहुत सारे डिजीज के ऐड हो जाएगा जिसमें आपको पैसा मिलेगा, उनमें 3,200 देना है। वीवर ऑफ प्रीमियम और टर्मिनल इलनेस अगर आप मरने वाले हैं इस टाइप का कोई डिजीज है तो उसमें प्रीमियम का छूट वो फ्री है इस पॉलिसी के साथ। वीवर प्रीमियम क्रिटिकल इलनेस में ओनली 400 रुपये से क्रिटिकल इलनेस का कवर मिल जाएगा, एंड कैंसर कवर मतलब कैंसर पकड़ने पे आपको पैसा मिलेगा उसमें ओनली 900 रुपये ऐड करने से। इसके अलावा दोस्तों ओनली 10,476 लग रहा है 1 करोड़ पॉलिसी के लिए। बाकी मैक्स में देखिए सब कुछ फीचर है उसका 9,000 है, प्रीमियम अमाउंट कम है मैक्स में। एगोन लाइफ पे देखिए और भी कम है, 8,200 है। PNB मेट लाइफ पे 9,400 है, भारतीय एक्सा में 8,900 है, मतलब 8,000 नया 9,000 10,000 में ये कर रहा है। सब में देखिए
एड ऑन फैसिलिटी कितना है, सब में है। एक मिनट में आप नहीं देखेंगे उसमें फीचर ही नहीं है। अब कनाडा HSBC इसमें देखिए, उसमें फीचर बहुत घट गया है। इसमें ऑनली टर्मिनल इलनेस फ्री है और डेथ ऑफ एक्सीडेंट मिलेगा, लेकिन इसका प्रीमियम अमाउंट बहुत कम है, 7,900 है। AWS टोक्यो में 8,200 है, ठीक है। और यहाँ पर DHFL में भी सब, यहाँ कोटक लाइफ में 9,500, लेकिन सब में फीचर आपको मिल जाएगा। IDBI एक्सी टाटा SBI लाइफ में ओनली एक्सीडेंट बेनिफिट है, लेकिन इनका प्रीमियम देखिए बहुत ज़्यादा है, 14,000 है। अब देखिए LIC का, इसमें कोई भी आपको एड ऑन फैसिलिटी नहीं मिलता है, कोई भी पैसा दे के, लेकिन प्रीमियम अमाउंट देखिए 18,040। आई थिंक इससे डबल, मतलब 2 करोड़ का कवर मिल जाएगा बाकी प्राइवेट बैंक पे, लेकिन LIC में 18,000 प्रीमियम अमाउंट है, बाकी में 8,000-9,000 ले रहा था, इसमें 18,000 है। इवन इसमें कोई भी राइडर नहीं है, कोई भी एड ऑन फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रीमियम अमाउंट बाकी से डबल है। दोस्तों आपने अब देखा कि LIC में प्रीमियम कितना ज़्यादा है और बाकी में कितना कम है। इनफैक्ट LIC में राइडर भी कुछ नहीं है, तो होप आप खुद ही अब डिसाइड कर पाएंगे कि किसमें आपको किससे पॉलिसी लेना है, कौन से पॉलिसी नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों अंत में ये बताना चाहूँगा, ये टोटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है, ये कोई प्रमोशन भी नहीं है और किसी का इंग्लिश में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनका फीचर डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों होप आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया ये आपको हेल्प करेगा आपका जो फ्यूचर डिसीजन है वो लेने में। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं LIC का ई टर्म पॉलिसी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और क्या आपका राय है ये पॉलिसी के बारे में ये भी प्लीज़ कमेंट में आप लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।